हेलो नमस्ते, मैं आपको एक कॉमेडी स्टोरी सुनाता हूँ। एक दूध वाला भैया था मेरे घर पे रोज़ आता है दूध देने के लिए। बराबर टाइम पे आता है, 6 बजे बोलेगा तो 6 बजे आ जाएगा, कभी 5 मिनट 10 मिनट लेट होता है रेगुलर। और एक दिन वो 9 बजे आया, 9 बजे आया। अभी सुबह पे मुझे चाय पीने का दिमाग छटक गया, क्या भैया जी रोज तू 6 बजे आते हो, आज को 9 बजे आया। भैया बोला, अरे मालिक मैं तो रोज 6:15 आ जाता हूँ, लेकिन क्या है ना, आज है ना वो म्यूनसिपालिटी का नल है ना, वो 9 बजे पानी आया, इसके लिए मेरे को लेट हो गया। कैसा लगा? ये तो कॉमेडी है। और एक बात, सुबह में हस्बैंड सोया था, पत्नी उठी उठ के इतना धो के फ्रेश होके तैयार हो रही है, और पति को उठाया, हेची उठो मेरी गाड़ी साफ करो, मुझे बाहर जाना है शॉपिंग के लिए। पति, अरे क्या है, सुबह सोने दो ना, एक दिन तो आज तो संडे है। नहीं, संडे में कुछ नहीं, चलो उठो मेरी गाड़ी साफ करो। अभी पति टेंशन में आ गया, उठा बाल्टी लिया, पानी में पोता लिया और नीचे फटक से गाड़ी साफ करने के लिए गया। 15-20 मिनट आया, नीचे आई बीबी, गाड़ी टकाटक साफ किया जैसे, तो वो गाड़ी में बाजू वाली लड़की आई और बैठ के लेके चली गई। हे भगवान, फिर मुझे पता चला कि ये गाड़ी मेरी नहीं थी, ये बाजू वाले की थी। और बीबी आके, ये क्या किया तुमने, मेरे गाड़ी साफ करने के लिए तो बाजू वाले की साफ कर दी। पति बेचारा बेहोश हो गया, I am sorry। कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।